नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एन सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और थंबनेल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब अमित शाह जी क्या करने वाले हैं। जिस समय ये हाईलाइट हुए थे अमृतपाल, उसी समय लाइव सेशन में मैंने ये बताया था कि ये अमित शाह जी का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि अमित शाह जी की जो कुंडली बनती है उसमें प्रबल शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन हुआ है और ये गोचर में जो प्रबल शत्रुहंता योग बना है, एक एक लोग को उठाकर जो शत्रु जो होते हैं उनको खात्मा करने वाला जो योग बनता, उस योग का निर्माण गोचर में हुआ है। और शत्रुहंता योग जब भी कुंडली में बन जाता है, छठवें भाव में बनता है, क्योंकि छठवां भाव शत्रु का होता है। छठवें भाव में जब भी शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन होता है उस समय शत्रु की हालत खराब हो जाती है। शत्रु इधर भागता है उधर भागता है, डर के रहता है, और जो अपने आप को बाहुबली मानते हैं उनके अंदर भी डर आना प्रारंभ हो जाता है। और यही चीज होने वाला अमृतपाल की कुंडली में। कुंडली तो ऑब्वियसली बताओ पता नहीं है, लेकिन प्रश्न कुंडली, क्योंकि व्यूअर्स पूछ रहे थे कि 3 दिन हो गया अभी तक गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, तो प्रश्न कुंडली से सीधा आंसर या तो यस में आता है या तो नो में होता है। तो जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाया उस प्रश्न कुंडली में लगन में ही पाप ग्रह उपस्थित थे, और जब पाप ग्रह लगन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि जो चीज़ें हैं वो आंसर यस के फॉर्म में आएगा, यानी ये गिरफ्तार होंगे। भाई कुछ दिन ही अपराधी छुप सकता है, अब ये क्योंकि खालिस्तान समर्थक, और खालिस्तान के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। हमारे व्यूअर से अनुरोध है कि वो खालिस्तानी और अमृतपाल के बारे में जरूर यहाँ पर लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी देश के हितैषी तो हो ही नहीं सकते हैं। और ये रहते हैं हमारे देश में, आधार कार्ड भी यहीं का होगा, रहते हैं हमारे देश में हैं, और देश को की जो छवि है, कुछ लोग और भी राजनीति में है जो लोग आप जानते होंगे, लेकिन उनसे भी खतरनाक लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इनका सहयोग कहीं ना कहीं, जो मैं भी नेट पे चेक करता रहता हूँ, तो ये देखने को आया है कि कनाडा में और बाकी जगह भी इनके सपोर्टर्स हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। कितना सत्य है या नहीं सत्य है मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिलहाल एक बात है जो यहाँ पर प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ कि अमित शाह अब क्या करेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि अमित शाह जी ने ठान लिया है, अमित शाह जी ने ठान लिया है कि इनको छोड़ना नहीं है। इनका क्या स्टेटमेंट था आपने सुना था, इनका स्टेटमेंट था कि ये अमित शाह जी को नहीं छोड़ने वाले, जबकि अब क्या होने वाला है, गृह मंत्रालय इतना तगड़ा एक्टिव तो हो चुका है, ये कहीं पे भी जाके छिप जाए, भागने वाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन फाइनली इनको उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर शनिदेव न्याय देते हैं, अंतिम न्याय जो शनिदेव देते हैं उसी में इनको जाना है, और ये घटना बड़ी जल्दी होने वाली है। डेट नोट कर लीजिएगा, और टाइम तो नहीं, डेट अप्रॉक्स डेट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गिरफ्तार होंगे विद इन 3 to 4 days के अंदर ये गिरफ्तार हो जाएंगे, अधिक से अधिक 7 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा ये गिरफ्तार, इतना ज़्यादा ये डिले नहीं होंगे। और इनके गिरफ्तार होने के बाद आतंक मचेगा, ये भी मैं पहले ही बताया था कि खालिस्तान समर्थक इनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और जो छुड़ाएंगे तो एक एक करके जो इन खालिस्तानी लोग हैं वो सब धीरे धीरे टारगेट पे आ जाएंगे। अभी तो ये सब गुप्त शत्रु के रूप में थे, और गुप्त शत्रु जब कुंडली में शत्रुहंता योग बनता है तो गुप्त शत्रु निकलते हैं और असली शत्रुओं से तब मुलाकात होती है, और अब यही काम अमित शाह जी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आने वाले समय में लगभग जो मेरा प्रेडिक्शन है, 2 month के अंदर अंदर आप देखिएगा कि किस तरीके से खालिस्तान का जो आतंक होगा वो बढ़ेगा, और ये गिरफ्तार तो होंगे लेकिन गुप्त शत्रु जो निकल के आ रहे थे, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे, उनके कारण
जन विद्रोह जो रहेगा वो आएगा और पूरा देश जो रहेगा एकजुट रहेगा और इन सभी लोगों को जो शनि की जो कृपा रहेगी उस कारण से ऐसे देश विरोधी लोगों का बहुत जल्दी नाश होने वाला है। और ये टाइमिंग जो है रेड अलर्ट के टाइम में ही होना है। कल के परसों के वीडियो में भी बताया था कि रेड अलर्ट में ऐसा ही कुछ होने वाला है और अमित शाह जी की कुंडली में भी ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।